नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वह है, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए चलो देखते हैं गेमेटोजेनेसिस एवं एम्ब्रियोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस। पहले नंबर पे आपको याद रखना है युग्मक जनन। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी शब्द के पीछे जनन शब्द लग जाए तो समझ जाना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उस शब्द के निर्माण की या फिर उसके निर्माण की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है युग्मक जनन, तो यहाँ पे क्या होगा, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया की बात होगी। जैसे आपने नाम सुना है अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, तो वहाँ पे क्या होता है कि अंडाणु के निर्माण की बात हो रही, शुक्राणु के निर्माण की बात हो रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द के पीछे जनन लग जाए तो उस शब्द के या फिर उसका निर्माण की बात हो रही है। तो आइए चलो देखते हैं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। युग्मकों के निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, यानी युग्मक के निर्माण प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं हम, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। युग्मकों के निर्माण के समय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने से ये आगुणित होते हैं, यानी जब युग्मक बनते हैं उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। और युग्मक कैसे होते हैं, आगुणित, क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। युग्मक नर तथा मादा होते हैं, यानी युग्मक नर या मादा हो सकते हैं, जो आपस में संलयित होकर युग्मनज यानी जाइगोट, ठीक है, यानी जाइगोट बनाते हैं। दोस्तों, दोनों शब्द में आप कन्फ्यूजन मत होना, युग्मनज और युग्मक। युग्मक को इंग्लिश में गैमेट से बोलते हैं और युग्मनज को इंग्लिश में हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट कैसे हैं, युग्मनज कैसा है, द्विगुणित, जबकि युग्मक कैसा है, आगुणित। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज यानी जाइगोट से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, यानी सबसे पहले क्या होगा, युग्मक किसी भी जीव में अर्धसूत्री विभाजन होगा और गुणसूत्र आधे आधे होंगे, यानी युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक कैसे हैं, आगुणित है, ठीक है। युग्मक आपस में मिलेंगे तो युग्मनज जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव। आगे याद रखना है युग्मनज जो कि द्विगुणित होता है। अब युग्मनज कैसा है, जाइगोट कैसा है, द्विगुणित है, क्यों है, क्योंकि दो आगुणित युग्मक आपस में मिलते हैं और द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट को बनाते हैं। तो युग्मनज जो कि द्विगुणित होता है, इससे इसके विकास से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण प्राय द्विगुणित होता है तथा इससे नए पादप या नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि किसी जीव में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, युग्मक का निर्माण हो जाता है, ठीक है, युग्मक का निर्माण हो जाता है। इसी निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक आगुणित होते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्र आधे आधे रहते हैं। फिर नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं, तो जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज बनाते हैं। अभी युग्मनज कैसा है, द्विगुणित है, ठीक है। अब ये युग्मनज और विकसित होगा, इसमें और विकास होगा और भ्रूण के विकास की प्रक्रिया शुरू होगी और भ्रूण का निर्माण होगा, जिसे हम बोलते हैं भ्रूणोद्भव, ठीक है। अब भ्रूणोद्भव भी कैसा है, भ्रूण भी कैसा है, द्विगुणित है, ठीक है, क्योंकि इसमें युग्मनज के द्वारा ही भ्रूण का निर्माण होता है, इसलिए भ्रूण कैसा है, द्विगुणित। और धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से क्या बनता है, नया पादप या फिर नई संतान का जन्म होता है। तो इस तरह से आपको युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच में अंतर स्पष्ट करना है।